हेलो स्टॉक्स वालों, तो आज हम लोग बात करने वाले टॉप 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2019 के बारे में, जो दे सकते हैं 47% तक का रिटर्न आने वाले एक साल में। और इन स्टॉक्स को रिकमेंड किया है और टारगेट दिया है दिग्गज ब्रोकरेज हाउस जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, प्रभुदास लीलाधर, इनके अलावा और भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने। और मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट के जो मिनिमम रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साल में, वो है लगभग 29% के आसपास। और वहीं पे तीन स्टॉक ऐसे हैं जो आपको दे सकते हैं 40% से भी ऊपर का रिटर्न आने वाले एक साल में। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है टॉप 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2019 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। इस लिस्ट के नंबर 10 पे आती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जो आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 20,501 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 56.90 रुपए, और जो लो है वो है 32.70 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कि आने वाले एक साल में आपको कितना मिल सकता है रिटर्न इस स्टॉक से। तो ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है 45 रुपए के आसपास, और मेहता इक्विटीज ने इसको जो टारगेट दिया है वो है 58 रुपए का, यानी आने वाले एक साल में आपको इससे हो सकता है मुनाफा 13 रुपए के आसपास का। और इस तरह से आपको जो रिटर्न मिल सकता है इससे वो है लगभग 29% का। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर फार्मा में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 1,08,263 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 679.30 रुपए, और जो लो है वो है 344.55 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कि आने वाले एक साल में आपको कितना मिल सकता है सन फार्मास्यूटिकल से रिटर्न। तो अभी ये ट्रेड हो रहा है 421 रुपए के आसपास, और इसको एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो टारगेट दिया है वो है 545 रुपए का, यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से अगर आप इसको खरीदते हैं तो आने वाले एक साल में आपको जो मुनाफा होगा वो होगा लगभग 124 रुपए के आसपास का। और इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा 29.45% का। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो आती है सेक्टर इंश्योरेंस में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 53,824 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 410.90 रुपए, और जो लो है वो है 277.35 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कि आने वाले एक साल में आपको कितना मिल सकता है रिटर्न आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि अभी ये जो ट्रेड हो रही है वो है 387 रुपए के आसपास, और इसको प्रभुदास लीलाधर ने जो टारगेट दिया है वो है 511 रुपए का, यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से आपको जो प्रॉफिट हो सकता है आने वाले एक साल में वो होगा लगभग 124 रुपए का। और इस तरह से आपका जो रिटर्न बन सकता है स्टॉक से आने वाले एक साल में वो होगा लगभग 32% के आसपास का। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है एसीसी लिमिटेड, जो आती है सेक्टर सीमेंट में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 29,008 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1769.05 रुपए, और जो लो है वो है 1322.20 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कि आने वाले एक साल में आपको कितना मिल सकता है रिटर्न एसीसी लिमिटेड से। तो अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1540 रुपए के आसपास, और मोतीलाल ओसवाल ने इसको जो टारगेट दिया है वो है 2040 रुपए का, यानी आने वाले एक साल में आपको स्टॉक से हो सकता है लगभग 500 रुपए के आसपास का मुनाफा। और इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा 32.46% का। इस लिस्ट के नंबर 6 पे आती है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जो अगेन आती है सेक्टर सीमेंट में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 1,13,475 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 4,904.95 रुपए, और जो लो है वो है 3,260.45 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट आपको कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले एक साल में। तो अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 4,033 रुपए के आसपास, और इसको आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो टारगेट दिया है वो है 5,350 रुपए का, यानी आपको आने वाले एक साल में हो सकता है 1,317 रुपए तक का मुनाफा। और इस तरह से आपका जो रिटर्न बन सकता है वो है 32.66% का। इस लिस्ट के नंबर 5 पे आती है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो आती है सेक्टर प्राइवेट बैंक में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,88,113 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1,555.90 रुपए, और जो लो है वो है 1,002.20 रुपए। और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए का।
तो अब देख लेते हैं आने वाले एक साल में कितना रिटर्न दे सकती है आपको कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1505 रुपए के आसपास और इसको ट्रेडिंग बेल्स ने जो टारगेट दिया है वो है 2000 रुपए का, यानी कि अभी के प्राइस पॉइंट से आने वाले एक साल में आपको हो सकता है मुनाफा 495 रुपए के आसपास और इस तरह से आपका जो रिटर्न बन सकता है वो है 32.89% का। इस लिस्ट के नंबर चार पे आती है भारतीय एयरटेल लिमिटेड जो आती है सेक्टर टेलीकॉम में और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,80,191 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 378.75 रुपए और जो लो है वो है 254.20 रुपए और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए का। तो देख लेते हैं भारतीय एयरटेल आपको कितना दे सकती है रिटर्न आने वाले एक साल में। तो अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 358 रुपए के आसपास और ट्रेडिंग बेल्स ने इसको जो टारगेट दिया है वो है 500 रुपए का। तो आपको आने वाले एक साल में इससे प्रॉफिट जो हो सकता है वो है लगभग 142 रुपए के आसपास का और इस तरह से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 39.66% का। इस लिस्ट के नंबर तीन पे आती है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर एनबीएफसी में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 20,126 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 189.55 रुपए और जो लो है वो 91.95 रुपए और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं आने वाले एक साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग लिमिटेड से। तो अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 98 रुपए के आसपास और इसको मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट दिया है वो है 140 रुपए का, यानी कि आपको 42 रुपए के आसपास का हो सकता है मुनाफा आने वाले एक साल में और इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो होगा 42.86% का। इस लिस्ट के नंबर दो पे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आती है मेनली सेक्टर पेट्रोकेमिकल्स में। इसके अलावा भी इसकी ऑपरेशन बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में हैं और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 8,17,307 करोड़, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में ये हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और इसका 52 वीक का जो हाई है वो है 1,417.50 रुपए और जो लो है वो है 1,016.40 रुपए और स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए का। तो आप देख लेते हैं कितना रिटर्न आपको मिल सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से आने वाले एक साल में। तो ये स्टॉक अभी जो ट्रेड हो रहा है वो है 1,276 रुपए के आसपास और इसको कैपिटल वाया ने जो टारगेट दिया है वो है 1,840 रुपए का, यानी अभी के प्राइस पॉइंट से आपको एक साल में जो मुनाफा हो सकता है स्टॉक से वो होगा लगभग 564 रुपए के आसपास का, यानी आपको जो रिटर्न बनेगा वो होगा 44.2% का। इस लिस्ट के नंबर एक पे आती है आईटीसी लिमिटेड जो आती है सेक्टर एफएमसीजी में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 3,06,53 करोड़, यानी कि ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 322.95 रुपए और जो लो है वो है 244 रुपए और इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो है सिर्फ 1 रुपए का। तो अब देख लेते हैं कि आने वाले एक साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है आईटीसी लिमिटेड से। तो अभी स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 247 रुपए और इसको एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो टारगेट दिया है वो है 362 रुपए का, यानी कि आने वाले एक साल में आपको जो मुनाफा हो सकता है वो है लगभग 115 रुपए के आसपास का और इस तरह से आपका जो रिटर्न बनेगा वो है 46.56%, यानी कि 47% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है आईटीसी लिमिटेड से आने वाले एक साल में। तो ये थी टॉप 10 स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2019 की लिस्ट। मैं जानना चाहूंगा आपकी क्या राय इस लिस्ट के बारे में, क्या आपको लगता है कि ये जो 10 स्टॉक्स हैं ये अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे आने वाले एक साल में, और इन 10 स्टॉक्स के अलावा भी और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको सॉलिड रिटर्न दे सकते हैं आने वाले एक साल में। तो आपकी जो भी राय हो और जो भी सुझाव हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप, पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।